कंपियरगंज थाना क्षेत्र में युवती की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह गेहूं के खेत में क्षतविक्षत शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज राहुल भाटी ने बताया, दिनांक 6 अप्रैल 2021 को थाना कैंपियरगंज के मछली गांव चौकी के परसौनी गांव में गेहूं के खेत में एक नर कंकाल मिला है। कपड़ों से इसकी पहचान एक स्त्री के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया ये शव 15 से 20 दिन पुराना लग रहा है। चूँकि शव काफ़ी क्षिप्त अवस्था में है और जानवरों के द्वारा इसको नोच लिया गया है, तो इस शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। आसपास के गाँव तथा आसपास के थानों में इसकी पहचान करवाई जा रही है। इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का एवं मृत्यु का सही कारण पता लग पाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद